नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज फिर से हम बात करने वाले हैं काफी सारी ढेर सारी कमाल कमाल की गर्मागर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है और उसके सामने बेल आइकन है, नोटिफिकेशन के लिए भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, और सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है क्वालकॉम की तरफ से। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के 3 और सीपीयू जो हैं लॉन्च होने की मतलब जल्दी ही तैयारी कर रहे हैं। उनकी जो है स्पेसिफिकेशन भी लीक होके बाहर निकल आई है। अभी तो सिर्फ आपको इनके मैं नाम बता रहा हूँ, लेकिन कल आपको स्पेशल वीडियो जो है इसके ऊपर बनाकर मैं दे दूंगा। तो ये हैं 670, 660 और 440, 3 मॉडल जो हैं स्नैपड्रैगन के यहाँ पर निकल के आए हैं। अब नेक्स्ट मोबाइल या फिर 2018 में जो बजट मोबाइल निकल के आएंगे या फिर थोड़ी मिड रेंज के मोबाइल निकल के आएंगे, उनके अंदर आपको यही सीपीयू देखने को मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छी इनकी स्पेसिफिकेशन है। कल आपको एक और वीडियो के अंदर मैं स्पेशल वीडियो बनाकर मैं आपको कल दे दूंगा। दोस्तों, हमारे अगले अपडेट निकल के आ रही है जियोनी S11 की तरफ से, जो कि फीचरिंग कर रहा है यहाँ पर, या फिर इसके अंदर 4 कैमराज यहाँ पर होने वाले हैं और जनवरी 2018 में लॉन्च होने की इसकी भी बात हो रही है। प्राइस वगैरह का अभी कोई भी जो है खुलासा यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन 2 कैमराज आगे और 2 कैमराज पीछे। मुझे लगता है कि 1 कैमरा ऊपर नीचे दोनों में से मतलब यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का होने वाला है, जैसा कि हुआवे करता है। ऊपर 2 मेगापिक्सल का एक छोटा उपग्रह आपको मिल जाएगा और पीछे भी जो है बड़े कैमरे के साथ एक छोटा सा उपग्रह 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मिल जाएगा। बस सेटअप 4 कैमरा का होना चाहिए, एक कैमरे में कम ना हो। लिमिटेड निकल के आ रही है Alcatel 3C की तरफ से। इसकी भी स्पेसिफिकेशन जो है लॉन्च होने से पहले ही निकल कर बाहर आ गई है। इसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ, जो कि कल आपको लगभग शाम को 3 या 4 बजे तक मिल जाएगा। तो इसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, एक बजट फ़ोन है, काफ़ी बढ़िया जो है इसकी स्पेसिफिकेशन निकल के आई है और काफ़ी बढ़िया जो है इसका हार्डवेयर भी रहने वाला है। तो उन्हीं सब की बात हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर करेंगे, जो कि कल निकल के आएगा। दोस्तों, अब अगले अपडेट निकल के आ रही है आपके लिए काफ़ी दमदार मज़ेदार छोटी सी कम प्राइस की, मतलब एयरटेल ने जो है 93 रुपये यानी 93 रुपये का एक रिचार्ज पैकेज निकाला है, जिसकी वैलिडिटी 10 दिन की है। इसके अंदर आपको 10 दिन तक 10 GB डेटा मतलब पर डे आपको 1 GB डेटा मिल जाता है और अनलिमिटेड कॉल मिल जाती हैं। अगर आप कम बजट रखते हैं या फिर थोड़े टाइम के लिए आपको कोई प्लान चाहिए होता है तो ये प्लान आप ले सकते हैं। लगभग 10 दिन तक आराम से आप इसके द्वारा जो है अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों, हमारे अगले अपडेट निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से। कल भी हमने बात की थी फेसबुक की, कि फेसबुक के अंदर एक काफ़ी दिन से कुछ रूमर्स वगैरह निकल के आ रहे हैं, कुछ टेस्टिंग वगैरह चल रही है। वो तो टेस्टिंग ही निकली, अब फेसबुक ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है एक मैसेज देकर कि हमने सिर्फ ये टेस्टिंग की थी कि कितने लोग जो है अपना असली नाम ओरिजिनल नाम जो है फेसबुक के ऊपर यूज कर रहे हैं। वो टेस्टिंग लगभग 4 या 5 दिन की थी, उसके चलते उन्होंने जो है काफ़ी टेस्टिंग की, उससे उन्हें जो है लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सही अपना नाम यूज़ कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर। उसमें से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स भी थे, उनको यहाँ पर रिमूव करने की भी कुछ यहाँ पर परियोजना चलाई जा रही है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी ये जो है टेस्टिंग बताकर इसे बंद कर दिया है फेसबुक ने। आगे से आपको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन अभी तो नहीं मिलने वाला है आधार कार्ड से लिंक कराने वाला फेसबुक अकाउंट को, अभी टेस्टिंग बोलकर जो है इसे बंद कर दिया है। दोस्तों, अब अगले वीडियो निकल के आ रही है हैकर्स की तरफ से। हैकर्स जो है कभी भी चुप नहीं बैठते, कुछ ना कुछ नया कमाल यहाँ पर करते रहते हैं। अब नया फंडा ये लेके आए हैं हैकर से, एक स्पीकर की वेव या फिर स्पीकर से ऐसी कुछ ही अजीब सी आवाज़ निकाल कर एक हार्ड डिस्क को जो है ख़राब कर देते हैं। उसके अंदर जितने भी डेटाज हैं उन्हें डिलीट कर देते हैं बिना हार्ड डिस्क को छुए। अगर आपका सिस्टम इधर पड़ा है और हैकर्स के पास है कोई सिस्टम है या फिर आसपास कोई हैकर्स है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो जो है एक स्पीकर लगाकर उसके अंदर से ऐसी वेव्स निकालेगा कि आपका सिस्टम जो है पूरा यहाँ पर क्रैश हो जाएगा। आपको फिर से जो है नया विंडोज़ में डालना पड़ेगा और उसके बाद जो है उसे ऑपरेट करना होगा। तो इस प्रकार से जो है नए नए फंडे हैकर्स भी निकाल कर लेके आते हैं, अब ये भी एक नया ही है। दोस्तों, अब अगले अपडेट निकल के आ रही है नोकिया 2 की तरफ से। नोकिया 2 को जो है जनवरी के अंदर ओरियो अपडेट मिल जाएगा। अब ओरियो अपडेट अगर आपको चाहिए या फिर आपके पास है नोकिया 2 तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, मुझे दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन अगर आपके पास नोकिया 2 है तो आपको मिल रही है एंड्रॉयड ओरियो 8.0 या फिर 8.0.1 या फिर 1.0 जो भी है, ओरियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी बात है, छोटे से मोबाइल के अंदर ये एक बड़ा धमाका यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है नोकिया 1 की तरफ से, जो कि एंड्रॉयड गो फ़ोन होने वाला है। मतलब एंड्रॉयड गो वाला जो गूगल का नया फीचर है या फिर नया ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट करेगा नोकिया 1।
और रूमर्स वगैरह निकल के आ रहे हैं कि लगभग मिड मार्च में, मतलब मार्च के बीच में 15, 16, 17, 18 तारीख को ये लॉन्च कर दिया जाएगा। काफ़ी बढ़िया है, इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह तो कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ यहाँ पर रूमर्स ही थे तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन नोकिया वन निकल के आना है जल्दी ही, तो काफ़ी बजट फ़ोन ये भी होने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में भी आपको मिली होगी, काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा, शायद कुछ ज़्यादा ही डिटेल से आजकल मैं यहाँ पर न्यूज़ अपडेट देने लगा हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो रोज़ आते रहते हैं, डेली एक वीडियो आपको मिल ही जाता है टेक अपडेट्स का, और वीडियो को एक लाइक यहाँ पर जरूर कर दें। अगर आपको सवाल हो सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख रहा हूँ, आगे एक बात यहाँ पर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।